तो अभी हम सब स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बिल्कुल रेडी है, तो शुरू किया जाए। हेलो क्लास के लिए हम करेंगे 3 बार ओम शब्द का पारायण और फिर इसके बाद करेंगे प्रार्थना। तो आप लोग जानते हैं समवेत स्वर में हम लोग ओंकार कैसे करेंगे। इस तरीके से दोनों मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, लेफ्ट रख लेंगे और 3 बार बोलेंगे, फिर अपनी प्रेयर करेंगे। अब सब हम जो प्रेयर मैंने पिछली बार करी थी वही प्रेयर इस बार भी हम सब करेंगे। नाथ अब ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाए क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, हे नाथ अब ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाओ, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, तुमको ही चाहो तुमको ही पाओ, संसार का भय कुछ रह न जाए, ये नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न वो योग्यता तो सत्कर्म कर लो, हृदय में अपने सद्भाव भर, नर्तन है साधन भव सिंधु कर लो, ऐसा समय फिर आए नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने। तो इस एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो सीजनल होगा, और इस सीजन में क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट की, ब्रेन की, जॉइंट की। तो जो मेरा पहला लेक्चर था वो था हमारे ब्रेन हार्ट पर, दूसरा जो हमारा लेक्चर था वो ब्रेन पर, आज का जो लेक्चर होगा ये होगा हमारे ज्वाइंट पर। ये ज्वाइंट की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों परेशान करती है, कारण क्या है? हालांकि ज्वाइंट पेन अपने आप में बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा। इस पर अगर हफ्ते 10 दिन 12 दिन भी लगातार बात की जाए सुबह से शाम तक तो भी ये खत्म नहीं होने वाला, इतना लंबा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ जो बताने वाली हूँ वो होगा हमारा जो इस सीजन में प्रॉब्लम्स होती है ज्यादातर उसके बारे में। ये विंटर का मौसम है, आपको पता ही है, और आज आज का जो दिन है 15 जनवरी, ये बहुत ही खास दिन होता है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारे बीमारी का जो कारण है वो है हमारे अपने आप का मॉडर्न हो जाना। मॉडर्न आप अपने कपड़ों से होइए,
बाकी चीजों से हो सकती है, लैंग्वेज आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा अपना कल्चर है, जो हम अपने फेस्टिवल्स को आपने देखा सेलिब्रेट करते, अगर आप उनके तरीके को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, कह रहे ऐसा क्या होता है, या हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो ऐसे में ही हम बीमार होते हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें, आज है 15 जनवरी, इसके पहले कल था 14, तो ये जो एक मकर संक्रांति का एक बहुत ही खास पर्व आता है हमारे इंडिया में, और इसका वर्णन आदिकाल से हमारे शास्त्रों में होता रहा है। सोचिए ये इतना क्या दिन है जिसके लिए इतने बड़े बड़े लोग हमें सलाह देते रहे। लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। कुछ लोगों को नहीं पता लगा होगा हमने क्या बोल दिया। इसका मतलब ये है कि जब माघ का महीना, ये जो जनवरी का महीना है इसको हिंदी में माघ बोलते हैं, माघ के महीने में जब सूर्य आपका मकर राशि में जाएगा, उस समय जो उसका एक खास एक एनर्जी हमारे स्थान पर पड़ती है, उसका बड़ा गहरा महत्व होता है। तो कहा कि जब माघ मकर गति रवि जब हुई, जब सूर्य मकर राशि में आएगा, तो तीरथ पति प्रयागराज में सबको ही आना। क्यों भाई, क्या होगा? उससे बहुत बड़ी घटना घटेगी। आखिर क्या है कि इतने ठंडी के टाइम में जब हम ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलना चाहते, लोग 35, 40, 50 किलोमीटर्स ऑन फुट पैदल चल के प्रयागराज स्टेशन से और ये गंगा जी तक पैदल मैंने चल के देखा है नहाते हुए जाने के, पैरों में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, क्या खजाना यहाँ है। मैं तो देख के दंग हो जाती थी, मेरे तो कभी कभी आंसू आते थे आंखों में, कितनी श्रद्धा। ये चुपचाप चले जा रहे हैं, चले जा रहे, एक कंधे पे एक बच्चे को बैठाया है, दूसरे दूसरे को बैठाया है, बुजुर्ग माँ बाप को कंधे पे बैठाए हुए हैं, और पैदल लेके चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे इतने किलोमीटर्स, और उनको एक डुबकी मारी और फिर वापस सीधे जाके, ना कोई ठिकाना, ना कोई रिलेटिव है, ना कुछ है कि किसके यहाँ जाना है, क्या कोई मतलब नहीं, गंगा जी के पास जाना। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों। और उसके अलावा एक तो नहाने का विधान है, और दूसरा है कि आज के दिन खिचड़ी लोग खाते हैं और दान देते हैं दूसरों। तो खिचड़ी में क्या है? खिचड़ी माने मिक्सचर, खिचड़ी का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सचर। तो खिचड़ी खाने और नहाने इतनी दूर से हम क्यों आ रहे हैं? तो जब आप किसी एडवर्स कंडीशन में जाते हैं ना, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जितना बचा के रखते हैं उतना कमजोर होता है। हमारे पास देखिए, जाड़े से बचने के लिए कई कई जोड़ी कपड़े होते हैं, पहन पहन के एकदम अच्छे से रखते हैं अपने आप, उसके बाद ही बीमार हो जाते हैं। वहां आप उनके देखेंगे पैरों में जूते नहीं, चप्पल नहीं, नंगे पैर चले आ रहे हैं गांव देहातों से। ऊपर शायद ही कोई मेला कुचैला ऐसा एक स्वेटर डाल लिया हो, वो भी ऐसा नहीं कि पूरा पैक्ड है। चले आए गंगा जी में नहाए, नहाने के बाद वो कपड़े गीले झोले में डाले, उसके बाद खिचड़ी बनाई, खाई, दूसरों को भी खिलाई, बाटी दान पुण्य किया और चले गए। खिचड़ी के साथ, ऐसा नहीं कि दिन भर हम खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी के साथ और क्या खाते हैं? वो खाते हैं तिलकुट। और जितने मैं पेशेंट देखती हूँ अब तक, जितने भी मैं कोरोना टाइम से और अब तक मैंने ऑनलाइन देखा है, उसमें देहात का जो नंबर है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, उंगलियों पे मैं गिन सकती हूँ कि कितने हैं। अब बाकी मतलब 1 या 2% होंगे शायद, उसमें भी मैं शायद बोल रही हूँ, बाकी जितने हैं आपकी संख्या वो किसकी है? शहरी लोगों, उनका हार्ट खराब है तो किडनी खराब है तो ये फेल है तो वो फेल है, छोटे छोटे बच्चे, दो दो तीन तीन महीने के बच्चे बीमार है शहर के, गाँव के मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये खिचड़ी का महत्व तो क्या है, हम खिचड़ी का मतलब क्या है, इसका क्या करना है? तो खिचड़ी में देखिए क्या है, आप अगर साइंटिफिक तरीके से आप देखना चाहें तो ये पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल डिश है, आप कंप्लीट और बैलेंस डिश है। क्या है इसमें? इसमें है दाल। किस चीज की दाल?
दाल तो बहुत सारी होती है, तो मेन होती है उड़द की दाल, और नहीं तो फिर मूंग की दाल, बाकी तो कुछ भी लोग मिक्स करके मिला देते। तो दाल, दाल क्या हो गई आपकी? प्रोटीन। चावल, चावल क्या हो गया आपका? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, और उसके ऊपर से सॉल्ट, ये वो जो आप डालते हैं, जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालते हैं, और फुल ऑफ न्यूट्रिशन वो मिल गई। आपने उसमें टर्मरिक यूज किया, हल्दी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिस्ट, एनाल्जेसिक, ये सारा कुछ उसके पास की प्रॉपर्टी है। ब्लैक पेपर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, ये सारा जो कॉम्बिनेशन मिला। अब ये खिचड़ी बनने के बाद उसमें क्या होगा, घी अलग से आपको मिलेगा, कि उसमें मिक्स करके खाइए। क्या हुआ इससे? इससे आपका सारे न्यूट्रिशन मिल गए एज पर वेस्टर्न मेडिसिन। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आपका वात, पित्त और कफ, ये सब बैलेंस हो गया। मतलब इतनी पोटेंट चीज है कि मतलब एक दिन आपने खाया और आपके वात, पित्त, कफ पूरी बैलेंस हो गई। इतनी पावर है, आप कल खाएंगे, परसों खाएंगे, रोज खाते हो, नहीं होगा, आज के दिन में कुछ ऐसी पावर है। तो क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। हम अपना लॉजिक लगाते हैं कि आज के दिन ऐसा क्या हो सकता है, कल खा लेंगे, आज टाइम नहीं मिला, बाद में खा लेंगे, या खाएंगे तो उसको मोल्ड करके खाएंगे। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए कि हमारे जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, ये हमें स्वस्थ रखने के लिए बनाई गई। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, जोड़ों में दर्द किसके होता है? अगर आपके घुटने में दर्द हो तो आप 40 किलोमीटर पैदल चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। क्यों इतनी दूर से आदमी परेशान होकर भाग आ रहा है, सोचिए जरा। क्योंकि उसके घुटने स्वस्थ हैं, वो चल पा रहा है, नहीं तो कहाँ चल पाता। तो आगे फर्दर उसका जो नी है या बाकी ज्वाइंट्स हैं वो नॉर्मल रहे, मजबूत रहे टिल डेथ, इसके लिए वो भाग के यहाँ आता है। अब क्या हो गया यहाँ, ऐसा क्या खजाना मिल गया? यहाँ एक खास जगह की एनर्जी बहुत ही, एक तो स्पेशल है, दूसरे जब आप यहाँ पे बैठे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। क्या मिली? एक तो आपको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, जो रिच ऑफ विटामिन डी, और उस वहां पे बैठ करके आप क्या खा रहे हैं, वहां पिज्जा बर्गर नहीं मिल रहा, वहां मिल रहा है आपको तिल गुड़ का पट्टी बना करके, लड्डू बना करके, ये सारी चीज हम खा रहे हैं। ये क्यों खा रहे हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है? वो एनर्जी बॉल है, कैल्शियम की बॉल है, और एक बार अगर आपने उस पूरे 1 महीने तक का होता है ये हमारा कैंप माघ मेले में, अगर 1 महीने खा लिया तो आपको पूरे 1 साल तक हाइपोथायराइड की बीमारी हो ही नहीं सकती, इतना स्ट्रॉन्ग इसमें नरिशमेंट है। तो वहां बैठ के दिन भर वो बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं। तिल, तिल में क्या है, रिच ऑफ कैल्शियम, 100 ग्राम्स की मात्रा तिल की अगर आपने सप्ताह में 2 से 3 दिन खा ली तो महीने भर का कोटा पूरा कर देता है, इतनी उसमें पावर होती है। और इसमें कैल्शियम हो गया आपके, अब कैल्शियम को क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, तो उसके लिए आपने गुड़ डाल दिया, गुड़ में भयंकर फॉस्फोरस है, आयरन है, और ये किसमें बाइंड होगा, फैट में। विटामिन डी एब्जॉर्ब किसमें होती है, विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, तो लीजिए हमने उसमें घी भी डाल दिया। अब आप उसमें गुड़ की जगह, जैगरी की जगह चीनी, शुगर, रिफाइंड वाली डाल दें, बेकार हो गया। तो ये इतने सुपर साइंटिफिक चीजें लोगों ने बनाई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए जहां तक संभव हो, और हमें अपनी पुरानी चीजों को आत्मसात करना होगा, हमें उसको समझना होगा। हमें ये नहीं हंसी उड़ानी कि आज क्या हम कल खा लेंगे, नहीं, आज ही क्यों खाना, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट, क्यों भाई। तो आज मैं इसी जॉइंट पेन पर ही बात करने वाली हूँ कि ये जॉइंट पेन क्या, जॉइंट पेन नहीं, पेन क्या है, क्योंकि पेन के ही कई पार्ट होते हैं। पेन मीन्स वॉट? पेन है आपके बॉडी का सेंसर जो कहता है कि इधर देखो, इंडिकेटर है। अगर आप कहीं ट्रैफिक पे खड़े हैं और रेड लाइट आपने कहीं देख ली, क्या
करते हैं, खड़े हो जाते हैं, यानी वो इंडिकेटर है, बता रहा है कि आपको चलना नहीं, आपको रुकना है। येलो जब लाइट हो जाती है तो हमें लगता है कि हमें अलर्ट हो जाना है, अपना सब कुछ ठीक कर लीजिए, किसी भी पल ग्रीन होगी, रेड रेड से ग्रीन, ग्रीन से फिर येलो, सॉरी येलो, येलो से ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब है कि अब आप जाइए, फ्री है बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये पेन के सिग्नल्स हैं ये, जो बता रहे हैं कि कहीं कुछ तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है, क्यों रेड सिग्नल दे रहा है ये, उसी का पता हमें लगाना चाहिए और लगाना पड़ता है। अब ये पेन कहाँ हो सकता है, एक्सटर्नल लेवल पर और इंटरनल लेवल पर, एक दर्द बाहर एक दर्द अंदर। बाहर वाले कैसे हो सकता है, उसके भी दो कारण, बाहर वाले दर्द का एक कारण हो सकता है एक्सटर्नल की चोट लग गई, दर्द हो रहा है, दूसरे कंडीशन में चोट तो नहीं लगी, यहाँ हमें कारण पता चल गया कि चोट लगी थी तो उसका आपने ट्रीटमेंट ले लिया, यहाँ दूसरी कंडीशन है कि चोट नहीं लगी दर्द है, तो फिर आपका ध्यान जाता है कि दर्द आपकी क्यों हो रहा है, तो आपको देखना चाहिए डल पेन है कि शार्प पेन है। डल पेन का रीजन अलग होता है, शार्प पेन का रीजन अलग होता है। फिर आपको देखना है ये लोकलाइज्ड पेन है या आपका रेफर्ड पेन है। कभी कभी रेफर्ड पेन होता है, हम समझ नहीं पाते, जैसे एक वाटर बॉडी में आपने कोई कंकड़ मारी है, तो जहां पर आपने कंकड़ मारी थी वो एक पिन पॉइंट है, वहां एक छोटा सा आपको डिप जैसा दिखता है, लेकिन उसकी जो रिपल्स होती, लहरें होती, दूर दूर तक फैल जाती है सर्कल में। फिर भी अगर आपसे कोई बोले, वो रिफर्ड है लहरें, फिर भी अगर आपसे कोई बोले कि कंकड़ कहाँ मारा था बता सकते, तो आपको तो हाँ दैट इज द पॉइंट, वो पॉइंट है, वही मारा था। हो सकता है दो तीन बच्चे एक साथ मिलकर के दो तीन कंकड़ वहां मार दें, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो दो तीन रिपल्स अलग 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 फॉर्म में बनती चली जाती, कुछ मिक्स भी हो सकती है। तो सेम ऐसा ही होता है हमारे साथ कि कहीं कोई एक पॉइंट है जहां प्रॉब्लम आई है और उसके बाद वो उसका रेफर्ड पेन, रिपल्स बन बन के आगे चलती चली जा रही है पेन रिसेप्टर्स होने के नाते, और हम वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ इलाज करें। आप किसी से पूछेंगे कहाँ दर्द है पेट में, पेट में कहाँ, तो हम अगर किसी पेन का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट खोजना चाहिए। जब तक आप इस स्पेसिफिक एरिया पे नहीं जाएंगे तब तक आप ट्रीटमेंट कभी भी नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एरिया आपको जानना होगा, तो इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, बॉडी पेन के अलावा दूसरा होता है ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन और अर्थराइटिस बोथ आर डिफरेंट। अक्सर हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट पेन को कि अर्थराइटिस हो गया, हम अर्थराइटिस अलग है, ज्वाइंट पेन अलग है, ज्वाइंट पेन का कारण अलग है, अर्थराइटिस का कारण भी अलग है, उसके टाइप्स अलग है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्रकार की ये मैं दर्द बता रही हूँ सबके बहुत अलग अलग रीजन होते हैं। अब एक दर्द जो मैं आज बताने वाली हूँ वो दर्द का कैसा है, ठंडी का दर्द। जाड़े में क्या होता है, जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो ये जॉइंट पेन क्या है, क्यों है, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन सिंपल है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी। अगर इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन पहले से ही कम रहा है, लोग जाड़े में एक्सरसाइज ये वो क्यों बढ़ाते हैं, इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि उनके ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। अब आपने क्या किया, मोटे कपड़े पहने, अब देखिए जैसे अगर गर्मी होती तो मैं ये पहन पाती, नहीं पहन पाती। अब हमने अपने बॉडी पर इतना ज्यादा उसको टेंशन दे दिया कि एक और दो पहन लिया, अब आप हाथ मोड़ेंगे ना मुड़ तो जाएगा, लेकिन आपको अंदर से जो एक फ्री फीलिंग होती वो नहीं रहेगी, आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, लेकिन आप बचने के लिए पहनते हैं, मजबूरी है। तो अब क्या हो गया, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, तब यहाँ हमारे दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, गर्दन में क्या है, मोटा पहन लिया,
कैप पहन ली या हेलमेट लगा लिया या मफलर लपेट लिया, दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन कंजेस्टेड हो गया। और क्या होता है, रात में आप सोए, ठंडक थी, फैल के सोते हैं, जब गर्मी थी तो फैल के सोते, अभी ठंडक है, कितना ही हीटर ब्लोअर लगा लें, ठंड और ठंड का डर, ऐसी चीजें हैं कि जब आप बिस्तर में लेटते हैं तो एक हाथ या पांव मुड़ा ही रह जाता है कि कहीं हम बिस्तर में हाथ फैलाएं ठंडा न लग जाए। तो जहां तक गर्म है वहीं तक सिकुड़ के पड़े रहेंगे, और जरा सा भी हाथ फैलाना नहीं चाहते, फैला लिया तो उसी पोजीशन में पड़े रहेंगे, तो ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ये बाधित हो जाता है। दूसरा क्यों होता है? दूसरा, हम पानी बहुत कम पीते हैं ठंडी के मारे। ऐसा नहीं कि प्यास नहीं लगती, एक तो प्यास मौसम की वजह से कम हो भी जाती है नेचुरली, दूसरा लगती भी है तो हम पीना नहीं चाहते कि पानी ठंडा होगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि ठंडा पानी पिएंगे तो जोड़ों में दर्द होगा, तो हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए, हल्का सा। पानी को बहुत ज्यादा गर्म करना भी नुकसानदायक है, पानी को ठंडा भी पीना नुकसानदायक है। तो आप उस पानी को लीजिए, अभी अच्छा आज के मौसम में क्या है, अगर पानी लिया आपने और रख दिया 2 मिनट में ठंडा हो गया, तो कितनी बार गर्म करे वो भी बड़ी एक समस्या होती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा ट्रिक कि आप ठंडे पानी को भी गर्म करके बिना हीटर के पी सकते हैं, बिना गैस का यूज किए आराम से पानी आपका गर्म हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ऐसे ही काम चाहिए आपको। अगर आप पानी, अब बड़ा सरल तरीका है, आपको भी पता होगा, आपने ग्लास में पानी भरा तो मुंह में रख के थोड़ी देर रेस्ट कर दीजिए, थोड़ी देर में पानी अपने आप गर्म हो जाएगा, नीचे उतार दीजिए फिर दोबारा पी लीजिए। और ये बेस्ट वे है पानी पीने का, अगर आप ऐसे पीते हैं तो जो आपके पानी की ठंडक वो जोड़ों को कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो आप पानी लीजिए, मुंह में रखिए, गर्म हो गया नीचे उतार दिया, फिर पानी लिया, फिर मुंह में रोक के रख लिया, फिर गर्म हो गया नीचे रख दिया, सिंपल। बार बार गर्म करने का झंझट भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। दांत को बचा के पीजिएगा, दांत टच करेगा तो जिनके दांत खराब है वो ठंडे हो जाएंगे, तो दांत को बचा के मुंह से पीजिए, जीभ का प्रयोग करिए, तो ये भी तरीके हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जाड़े के दर्द का, सबसे बड़ा कारण है ब्लड सर्कुलेशन की कमी और ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना नेचुरली, जो बैरोमेटिक प्रेशर आता है हमारा उसकी वजह से हमारे ज्वाइंट पर इफेक्ट आती है, और इनकी वजह से हम ज्वाइंट पेन से परेशान हो जाते हैं, स्टिफनेस। और कोई बुजुर्ग नहीं, हर व्यक्ति स्टिफनेस की फीलिंग जरूर करता है, लेकिन क्या है कि अगर हम यंग हैं तो हम उतना महसूस नहीं कर पाते, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन में कमी आएगी, उतनी ज्यादा आपको समस्या सामने दिखने लगती है। तो एक तो ये हो गया, इसको ध्यान रखिए। अब इसके अलावा मैं बात करूं अगर कि आप पॉइंट क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे, तो पहले मैं एक बार इसको थोड़ा समझा देती हूँ कि बॉडी पेन है, ज्वाइंट पेन है, क्या क्या है, आप उसको जरा से एक बार देखिए, और थोड़ा सा टाइम बचेगा तो आप सवाल पूछ लीजिएगा, तो आपका भी हो जाएगा। एक सेकंड बस, अनुपम जी आपके पास में है अभी, जी मैम शेयर करिए जरा पेन वाला, जो ओल्ड वाला है मैम। हाँ, जो अभी दिया था। ज्वाइंट और इस पे तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा विषय। ज्वाइंट पर ही आ जाए तो पेन है या एक है, पेन के भी कई कैटेगरी है, एक्सेस टाइप है, डेफिशिएंट टाइप है।
अच्छा, और भी अगर आप एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में बात करेंगे, हमसे दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे, विंड टाइप पेन, हीट टाइप पेन, ह्यूमिडिटी टाइप पेन, ड्राइनेस टाइप पेन, कोल्डनेस टाइप पेन, वेस्टर्न मेडिसिन के हिसाब से बात करेंगे तो मस्कुलर टाइप पेन, सर्कुलेटरी सिस्टम पॉइंट पेन, लिम्फैटिक पेन, स्केलेटल पेन, तो हर तरीके के पेन आपको दिख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए जरा पीछे। हाँ ठीक है, आजकल जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दो चीजें मिलती है, एक है आपका विटामिन डी और एक है विटामिन B12। और हम कहते हैं अरे ये तो कॉमन है, कॉमन तो है लेकिन ये क्या क्या कर सकता है और क्यों हो रहा है, कैसे हमें मिल सकता है, तो इसकी एक स्लाइड पीछे पहले हम आएंगे और इसके पीछे। हाँ, तो कभी कभी इसके मिक्स सिम्टम आपके पास आएंगे, कभी कभी अलग अलग आएंगे, और अगर हमें इसकी पहचान नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें। अब देखिए, यहां हमने मिक्स आपको दिखाया, सिम्टम ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन B12 से क्या होगा अगर आपके ब्लड में ये चीजें हैं। पहला होगा वीकनेस, बिना किसी कारण के आपको थकान लग रही, कमजोरी लग रही, थकान लग रही, पेन इन बोन्स, बोन्स में आपको ऐसे जब छूते हैं तो दर्द हो रहा है, ऐसे अभी नहीं दर्द हो रहा है हमें, लेकिन जब हम टच करते हैं, प्रेस करते हैं तो दर्द होता, हमारा मन करता है कोई और ऐसे मसाज कर दे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। स्टिफनेस इन मसल्स, मसल्स हमारी स्टिफ है, पीछे हाथ ले जाना है बड़ा मुश्किल होती है, इसके भी दो कारण है, एक तो है लैक ऑफ यूज, कुछ दिनों के बाद हमें लग रहा है हमारे हाथ पैर ही नहीं रहेंगे, फिर बॉडी रहेगी और ये मुंह रहेगा GIT, क्योंकि इसमें हम बहुत काम लेते हैं। पहले शुरू शुरू में हम लोगों की पूंछ होती थी, टेल, पता है, बॉडी में हेयर्स होते थे, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, हेयर से ढका होता था। बाद में धीरे 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 हम ऐसी एरिया में आ गए कि जहां इतना ठंड ये वो था ही नहीं, उतना हमें एडजस्ट होने का मौका नहीं मिला, कमरे के अंदर बंद हो गए, घरों के अंदर कमरे बंद, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, तो अब क्या हो गया, हमें ठंडक लगने लगी, हमारे शरीर से बाल गायब हो गए। अब ऐसे ही जब हम पानी में रहते थे तो हमारी आंखों में एक निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन होता था कि आप पानी में आंख खोल करके स्विम कर लीजिए, लेकिन अब क्या होता है, नहीं कर सकते, अलग से उसके लिए गॉगल्स आ गए, क्योंकि उसका यूज ही नहीं किया, वो अलग से सिकुड़ करके यहाँ पे इकट्ठा हो गई। ऐसे पूंछ हुआ करती थी, कहीं भी बैठना है ब्रूम की कोई जरूरत नहीं, हर एक आदमी के पास अपनी ब्रूम होती थी, अपना ब्रूम से सफाई करी उसने और बैठ गया। अब हमने मार्केट से ब्रूम लेना शुरू कर दिया, अब वो झाड़ू जब हमने यूज किया तो अपनी झाड़ू भूल गए, तब हमारे झाड़ू गायब हो गई। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब आप मसल यूज नहीं करेंगे तो मसल भी खत्म होती जाएगी, स्किनी हो जाएंगे, स्केलेटल लेके घूमेंगे हम हर जगह पे। तो पेन इन बोन्स क्यों हो गया, इसकी वजह से, विटामिन्स की वजह से, और स्टिफनेस इन मसल्स का भी यही रीजन है कि या तो इनकी कमी है और या तो हमने उस मसल का यूज ही नहीं किया। जब आप किसी चीज का यूज नहीं करते तो यूजलेस हो जाती, वो एक जगह पे ऐसे जाम हो जाती, तो स्टिफनेस इन मसल्स का मोस्ट ऑफ द रीजन यही होता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, वो ध्यान दें उनके घुटनों में दर्द का कारण क्या है। उनमें घुटनों के दर्द का दो ही कारण है, पहला कारण है खान पान की कमी, क्योंकि भूख कम हो जाती है, दूसरा है लैक ऑफ मूवमेंट, वो अपने आप को रिटायर मान लेते, चलना बंद, एक जगह बैठ गए, कुछ काम ही नहीं है, लोग भी नहीं करने देते, अरे मैं हूं ना, आप अपने बुजुर्गों से जम के काम नहीं, आधे बुजुर्ग तो हमसे नाराज हो जाएंगे, ये क्या कह दिया, नहीं। और आप देखेंगे जितना आप वॉक करेंगे ना, उतनी आपकी ये सारे ज्वाइंट खुलते चले जाएंगे, नी पेन आपका बिल्कुल, नी आपका ओपन रहेगा, सारी चीजें आपकी रिलैक्स रहेंगी,
तो आपको ये दर्द, जकड़न, ये सारी चीजें नहीं होंगी। आपका नी पूरा, जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक आपके घुटने चलेंगे, तो ये ध्यान दें। इसके अलावा डिफिकल्टी इन वॉकिंग, क्या रीजन है विटामिन, स्लीपिंग आर्म्स एंड लेग्स, एक जगह पे बैठ गए तो खड़े हुए तो पैर नंब हो गए, टिंगलिंग हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या है? आप कहते हैं ब्लड वेसल की कमी, हाँ है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन बी। अब कहाँ से लाएं हम? आधे लोग तो खुश हो रहे हैं, चलो आज बहुत बड़ी चीज पता चल गई, अभी मार्केट जाकर के विटामिन डी और विटामिन B12 खरीद के ले आएंगे। देर इज नो नीड टू गो आउटसाइड, यू हैव टू एंटर इनसाइड इन योर बॉडी, अंदर ही है ये, जिसकी दुकान बाहर नहीं है, अंदर है। विटामिन B12 कहाँ मिलेगा? इंटेस्टाइन में। इसका मतलब है कि आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही। अगर किसी फैक्ट्री में आप जाते हैं जो वो प्रोड्यूस करता है मटीरियल, अब वो नहीं कर पा रही, इसका मतलब वो मशीन, वो आपकी फैक्ट्री काम नहीं कर रही। तो ऐसे ही आपका विटामिन B12 कम होने का मतलब है कि योर इंटेस्टाइन इज नॉट वर्किंग वेल। और विटामिन D3 का भी क्या है, ऑर्गन तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। विटामिन D3 मिलता है आपको सन रेज में, सन इज अवेलेबल फॉर यू बट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर सन, हम ही नहीं जाते उसके सामने, वो तो निकला रहता है रोज हमारे लिए, भाई ले लो, लेकिन नहीं लेते ही नहीं, या लेंगे तो रॉन्ग वे में लेंगे। तो विटामिन डी की कमी भी खूब ज्यादा हो रही लोगों में, खूब ज्यादा। तो ये जितने सिम्टम्स हैं, क्या आप लोगों में हैं क्या? अगर हैं तो जरा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा कि मार्केट जाएंगे कि अपनी हैबिट्स को करेक्ट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसको हमने बाइफोकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, अकेले विटामिन B12 की बात कर। तो विटामिन B12 का हमारे शरीर में क्या यूज है? इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। अगर आपको कमजोरी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विटामिन B12। दूसरा काम ये क्या करता है? मेंटेन्स हेल्दी नर्व सेल्स, इजिली गेटिंग नर्वस, बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ हुआ नर्वस हो गए, चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे, घबरा जाते, परेशान हो जाते। या अगर नर्व सेल्स बढ़िया नहीं है तो जगह जगह आपको दर्द होगा, नर्व्स और पेन करेंगी आपकी, हेडेक हो सकता है, आइस पेन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आर्म्स में हो सकता है, लेग्स में हो सकता है। और इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जो आपकी आनुवंशिक यानी जीन्स और क्रोमोसोम्स की चीजें होती हैं, उसके लिए भी विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। अगर आप छोटी एज के हैं और मैरिड हैं, बच्चे पैदा करने की एज है, और उस समय अगर ये कमी हो गई तो सोचिए कि आगे क्या होगा। बच्चों में आपके क्रोमोसोमल डिफेक्ट आएंगे, फिर आप उसके लिए परेशान होते रहेंगे। और कारण कहाँ था हमारे पास? क्योंकि सिंथेसाइज करना जेनेटिक मटेरियल का काम, वो तो विटामिन B12 का था, वही कम था हमारे में। फॉर्मेशन ऑफ RBC, आप कहते हैं हमारे पास पता नहीं कि हीमोग्लोबिन कम रहता है, आयरन भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ RBC के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विटामिन B12। अगर आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो आप हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं सकते, खाते रहिए चाहे इतना, जो एब्जॉर्ब करेगा वो मिसिंग है ना, तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा ये क्या करता है? मेंटेन्स होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन क्या होता है? ये एक ऐसी चीज है जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और इसी मौसम में आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो क्या विटामिन B12 इसी मौसम में कम होगा? नहीं, ये हमेशा होगा, लेकिन जाड़े में ये ज्यादा दिखता है। क्यों दिखता है उसका भी मतलब सुन लीजिए। विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 कहाँ बनेगा? आपकी इंटेस्टाइन में।
आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही, क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रखा है? क्यों कॉन्स्टिपेशन हो गया? क्योंकि हम पानी नहीं पीते, ठीक से खाते नहीं है, प्रॉपर वॉक नहीं करते, तो फिर घूम फिर के हमारी क्या आ गई, वही डेली रूटीन की प्रॉब्लम। तो अगर आप इन चीजों को कमी करते हैं तो ये क्या करेगा, फिर आप हार्ट खतरे में आ जाएंगे। इसीलिए ठंडक में आप देखेंगे तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है ना। अब ये क्यों हो जाती है साथ? तो लिखा है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनमें हो जाती है, जो एंटीबायोटिक खूब ज्यादा खाते हैं उनमें हो जाती है, जो एंटासिड्स ड्रग्स खाते हैं उनमें हो जाती है। और एक बड़ी मजेदार आज बात बताऊं मैं आपको, जो एंटासिड है यानी एसिड को कम करने की दवाएं, आधे से ज्यादा लोग तो दवाएं ही रॉन्ग खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं। एसिडिटी है नहीं लेकिन वो एसिड की दवाएं खा रहे हैं, तो क्या होगा, एसिड और कम हो जाएगा। और फिर एसिड ही नहीं कम होगा, साथ में ये विटामिन्स भी तो कम होंगे ना। अब आप बोलेंगे क्यों हमें एसिडिटी है तभी तो हम खा रहे हैं? नहीं, आप कंफ्यूज हैं। और आप डॉक्टर को भी जो बातें बताती है ना, तो डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो एक चीजों को आपसे अलग कर करके बात करे। आपने कहा एसिडिटी, उसने कहा ये दवा, क्योंकि उसको मालूम है कि आपने ठीक ही बोला होगा, तो इसी भरोसे में हो जाती है गड़बड़। अब ये मैंने कहां से सीखा वो मैं आपको बताती हूं। शुरू शुरू में पेशेंट आते, एसिडिटी बताते, और एसिडिटी माने एनर्जी एक्सेस हो जाना एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग, तो रिलेटेड पॉइंट को सीरेट करके दे दिया जाता। कुछ ऐसे पेशेंट, अच्छा 80-90% एसिडिटी वाले एसिडिटी के पेशेंट होते ही नहीं, 20% होते हैं एक्चुअल होते हैं। तो अब क्या हुआ, आप कहेंगे फिर एंटासिड खाने से आराम कैसे होता है, वो अलग बात, बात की बात कल बताऊंगी। तो अब उनको जब पॉइंट दिया गया तो कहीं आराम ही नहीं होता, कभी ये ग्रुप बदला गया, कभी वो ग्रुप बदला गया, कभी वो ग्रुप बदला गया, परेशान। मैंने सोचा इनके कहीं ना कहीं कमी है, या तो ये प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा है, या तो मेरे से कोई भूल हुई है कि हम प्रॉपर इनसे कन्वे नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया एपेटाइट कैसी है, वाटर इंटेक कैसा है, स्टूल कैसा है, ये है वो है, सारा पूछा। उससे हमें ये पता चला कि एसिड आपके बॉडी में क्या काम करता है। एसिड आपके अंदर शायद डाइजेशन का काम करता है। अब जब एसिड ज्यादा है तो डाइजेशन भी ज्यादा होता है, भूख भी ज्यादा लगती है, लगनी चाहिए और ऐसा होता है। और अभी देखिए एसिड ज्यादा हो गया, अगर अल्सर हो जाए तो क्या सिम्टम आता है, बड़ी जोर से भूख लगती है, मानते हैं ना। तो जब यहाँ भूख ज्यादा लग रही है तो ये तो समझ में आता है कि भाई एसिड है और कट गया अल्सर है इसलिए भूख लग रही है। जब एसिडिटी ज्यादा है तो आप कह रहे हमें भूख ही नहीं लगती, हमें गैस बनती है, गैस माना सड़ा हुआ खाना। जब गैस आपके पास में है तो खाना सड़ा क्यों, इसका मतलब You are telling lie। झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं हमें क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। तो अक्सर ये होता है कि उनके खाने पीने का जो तरीका होता है वो गलत होता है, हमने उस एसिड को डाइल्यूट कर दिया, पतला कर दिया, पानी मिला दिया उसमें। क्यों मिलाया, कैसे मिलाया, खाना खाते जा रहे हैं पानी पीते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं पानी पीते जा रहे हैं, तो आपका एसिड क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया। अब एसिड डाइल्यूट हो गया तो खाना डाइजेस्ट कराएगा, नेवर, तो क्या कराएगा, सड़ाएगा, यस। चीजें सड़ेंगी तो क्या होगा, बबल्स निकलेंगे, हाँ निकलेंगे, निकल रही, यही तो गैस बन रही। और अब वो जो एसिड सड़े खाने को सड़ा रही है और ज्यादा एकदम खट्टा, खाना सड़ने के बाद भी खट्टा हो जाता है, गॉट इट माई पॉइंट। सब्जी आपने रख दी खराब हो गई, खाते हैं तो टेस्ट उसका खट्टा हो जाता है, एसिड डाली आपने नहीं, वो गंदी वाली एसिड है, खराब वाली है, तो वो आपके हो रहा है। और आप सोच रहे हैं कि जो असली एसिड HCl वो ज्यादा हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि वो रॉटन मटेरियल को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है,
समझ रहे हैं आप, उस कोशिश में ये सारी चीजें हो जा रही हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। तो एंटासिड्स भी जो खा रहे हैं हम गलत खा रहे हैं, जरूरत नहीं फिर भी खा रहे हैं। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अच्छा, अब ये मिलेगा कैसे? मिल्क से। विटामिन B12 कहाँ है? मिल्क में है। और कहाँ है? कर्ड में है। वे और बटर मिल्क जिसे बोलते हैं उसमें मिल जाएगा, चीज में मिल जाएगा, फोर्टिफाइड सीरियल्स में मिल जाएगा, फूड जूसेस में मिल जाएगा, जो पनीर का पनीर होता है उसका, सोयाबीन का, उसमें मिल जाएगा, टोफू में। लेकिन सबकी टेक्निक्स अलग अलग। अब आप मिल्क तो लेते हैं, लेकिन मिल्क ऐसा लेते हैं कि एब्जॉर्ब भी ना हो। जब भी आप मिल्क लेते हैं उसमें शुगर को ऐड कर देते हैं। शुगर ऐड किया माने कैल्शियम आपका गया। कर्ड आप लेते हैं, कर्ड को कैसे लेते हैं? कर्ड में दो फॉर्म होते हैं, एक सॉल्ट का और एक होता है स्वीट का। आपको किस पर्पस से लेना है? आपको ये कर्ड विटामिन B12 के लिए लेना है या कैल्शियम के लिए लेना है? फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड इट। अगर आपको अपने विटामिन B12 को इंक्रीज करने के लिए लेना है तो आप इसमें जो जीरा होता है ना उसको ऐड कर लीजिए, ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लीजिए। और अगर आपको इसे कैल्शियम के लिए यूज करना है तो आप इसमें जैगरी यूज कर दीजिए। जैगरी यूज करेंगे तो आपको कैल्शियम मिल जाएगी, थोड़ी मात्रा में विटामिन B12 भी इससे यूज। अब स्वीट से विटामिन B12 का क्या रिलेशन? विटामिन B12 है क्या? ये विटामिन जो हमारे इंटेस्टाइन में बनते हैं कैसे बनते, क्या है एक्चुअली? तो ये जो विटामिन है ये हमारे जो बैक्टीरिया है उनके डेड बॉडी है, सॉरी ये जो हमारे विटामिन B12 है ये बैक्टीरिया का स्टूल पार्टिकल है। आप कहेंगे स्टूल पार्टिकल? यस, वाइटल एमिन्स है। जो कुछ बच गया हमारी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने से रफ मटेरियल, उसी को ये खाते हैं ना। जैसे अर्थवर्म क्या करता है? सॉइल खाता, सॉइल निकालता है। जो सॉइल निकालता है वो बड़ा यूजफुल होता है। वही आपका विटामिन B12 है आपकी इंटेस्टाइन का। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? खाते हैं, खा के उसको सिंप्लीफाइड मैनर में निकाल देते हैं। जो निकाल देते हैं उसी में वाइटल एमिन्स होते हैं, उसी को विटामिन B12 कहते हैं। इसीलिए तो एंटीबायोटिक खाने में वो मर जाता है। तो उसमें जो हमारे अपने खुद के बैक्टीरिया होते हैं उनका लॉस हो जाता है और इसीलिए इसकी कमी हो जाती है। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट इला अल्ले मुक्सपड़ी इनिमा आ मैले ककुंड कलिस्पड़ा कौन जी म्यूट कर दीजिए। अल्ले बर्ता इदे अंत अल्ले कूतकोंड निद्दे मड्तवरे अन्सुत्ते। ಅಷ್ಟೆ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೇರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಜಿ ಮೇರಿ ಅವಾಜ್ ಸುಂದೇ ಆಪ್ ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಆಪ್ ಫಿರ್ ಉಸ್ಕೋ ಲಗಾ ದೀಜಿಯೇ अपने माइक आप लोग म्यूट कर लिया करिए क्योंकि फिर उसमें ना दिक्कत होती है। इसको ज़ूम कर दीजिए। तो नेक्स्ट आया हमारा विटामिन D3। विटामिन D3 तो आप जानते ही हैं कि बोन के लिए मास्टर पॉइंट है, बोन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एब्जॉर्ब करता है हमारे कैल्शियम को, इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। अब सोचिए इतनी दूर से यहाँ गंगा जी लोग क्यों आते हैं? इम्यूनिटी इन्हेंस कराने। कोरोना हो जाए तो हो जाए, जाएंगे जरूर, है ना? हालांकि उसका प्रिकॉशन रखना होता है।
लेकिन इम्यूनिटी के लालच से आते हैं, बोन की हेल्थ की वजह से आते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने आते हैं कि हाँ हमें अच्छी मात्रा में पूरे दिन भर मिल जाएगा, कोई काम नहीं, पूरे टाइम भूख लेना है। एनिड डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो गई तो कैसे पहचानेंगे? रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, एकदम पतला दुबला हो जाता है शरीर। रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर इन एडल्ट, थोड़ी सी चीज में बोन टूट गई। तो ये जो होता है ये डेफिशिएंसी का रीजन है। वो लेग्स, पैर टेढ़े होने लगते हैं, कार्टिलेज वगैरह खराब होने लगती है, और ओल्ड एज में भी हो सकता है और एल्डरली में भी हो सकता है। इसके अलावा केवल बोन में ही नहीं, आपके कैंसर को प्रिवेंट करने में आपका विटामिन डी थ्री बहुत मदद करता है। तो आपका ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, अगर आपको विटामिन डी थ्री की कमी है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कैंसर के शिकार हो। तो चाहे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, हार्ट की डिजीजेस हैं, दांतों की समस्या है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही। हम सोचते हैं कि स्वेटिंग माने शरीर में गर्मी बहुत लग रही, ऐसा नहीं होता। छोटे बच्चों को हम देखते हैं, बड़े छोटे बच्चे हैं और बिस्तर पे लेटे हैं, उनकी जो पिलो है बिल्कुल भीग जाती, इतनी हीट कहाँ से आ गई भाई। बड़ों में तो समझ में आता है, मिर्च मसाला ये सब खा कर उनमें हीट आ गई, उस छोटे से 4 मंथ 5 मंथ के बच्चे में इतनी हीट कहाँ से आ गई। दैट इंडिकेट्स कैल्शियम डेफिशियंसी, विटामिन डी डेफिशियंसी। उसको धूप दिखाओ, उसको गर्मी नहीं लग रही, ठीक है, स्पेशली हेड एरिया में स्वेटिंग इन पाम्स इन चाइल्ड। छोटे बच्चों का देखेंगे ये जो हाथ है ना बिल्कुल पसीने पसीने जैसा होता है, तो सोचते पता नहीं क्या रीजन है। उसका रीजन है विटामिन डी थ्री की कमी, उसको धूप में ले जाइए, उसको कैल्शियम वाली चीजें खिलाइए। वेट गेन होता जा रहा है, डिप्रेशन होता जा रहा है, और इलाज कहाँ है आपका? सन लाइट की कमी, तो सन लाइट ही इसका इलाज है। तो ये क्यों हो जाता है? एक तो लैक ऑफ सनलाइट, और कुछ किडनी के इश्यूज जिसमें किडनी आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं इसको? सनलाइट से ले सकते हैं। सनलाइट लेने का तरीका भी होता है। सनलाइट में आपको विटामिन डी मिलना है, विटामिन डी है फैट सॉल्युबल, इस बात का ध्यान रहे। तो जब भी हम बैठे तो जितना पार्ट हम एक्सपोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उतना ओपन कर लें, और हल्का सा ऑयल लगा लें, और ऑयल लगा करके उसके सामने बैठ जाएं। दिन में 12 बजे 2 बजे नहीं, अर्ली मॉर्निंग का, यानी जब 8-9 बजे तक का भी चलेगा। आपके बॉडी में लाइट पड़नी है, धूप नहीं पड़ना है कि बिल्कुल आप एकदम गर्म होना चाहते, नहीं। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आपको 15-20 मिनट्स ही रिक्वायर्ड है, इतने में विटामिन डी पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी का कलर थोड़ा डार्क है तो उसमें मेलानिन जो होते हैं हमारी मेलानोसाइट्स, वो आपके विटामिन डी को थोड़ा ब्लॉक कर देते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। तो जिनके स्किन डार्क हैं उनको ये टाइम लगेगा, 1 और 1.5 आवर। तो इतना टाइम आपको देना है, डायनेमिक नहीं होना, चलते फिरते नहीं लेना, बैठ जाइए। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आपने कोई ऐसा हाउस होल्ड कुछ ले लिया वो अपना बना कर रहे, लोग धूप में बैठकर स्वेटर क्यों बुनते हैं? इसीलिए, विटामिन डी के लिए। तो ये कुछ भी ना हो तो आप वहां बैठ के अपना कुछ काम कर सकते हैं, या आप अपना ब्रेकफास्ट का वहां पे टेबल लगा लीजिए, ब्रेकफास्ट वहां पे कर लीजिए, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, विटामिन डी भी फ्री में मिलती रही साथ, ये हो सकता है। तो सनलाइट, कर्ड, मिल्क, वीट ग्रीन्स, मशरूम्स, इसमें भी बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है। तो आप मशरूम्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ऑरेंज जूसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सोर्स है इसका सनलाइट। तो मुफ्त की चीज है, जबरदस्ती मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो आज इसको बस यही करूंगी क्योंकि समय हो रहा है, और फिर नेक्स्ट मिलती रहूंगी, इसके आगे देखूंगी। और हाँ, जो लोग यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं वो ध्यान रखें कि हमारा जो भी नेक्स्ट होगा, मैं सोच रही हूँ कि ज्वाइंट पेन पे एक फुल फ्लेज्ड एक लेक्चर रखूँ आपके लिए,
तो आप ये मैसेज दूसरों को कन्वे किया करिए, और इसमें इस क्लासेस में जुड़े कैसे, तो आप हर एक वीडियो में जो भी मैं यूट्यूब पर डालती हूँ इस लेक्चर से रिलेटेड, उसमें नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट हमें सोर्स लगा जहाँ पे इजिली दिया जा सकता है। बस आपको वहीं से सेम क्लिक करना है जिसमें आज आपने ज्वाइन किया है, यही फॉरएवर के लिंक है। आप जिसको चाहे उसको बांट दीजिए, जिसको चाहे उसको दीजिए, क्योंकि ऐन मौके पे आप हमारे पास मैसेज करते हैं, लिंक दीजिए मैं कैसे दे सकती हूँ इस समय, है ना। तो ये करिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम में है वो दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये काम आप करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज मैं इसको यहीं पे विश्राम देती हूँ, आप लोगों को कुछ अगर पूछना है तो एक दो मिनट में पूछ सकते हैं। मैम हेलो जी बोले। मैम आपने बोला विटामिन B12 की डिफिशियंसी पर एक्सेस भी हो जाता है बहुत सी कंडीशंस में, लाइक मेरे केस में इट इज वेरी मच एक्सेस। मैम मैंने बहुत कुछ मतलब जो भी डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट कराया, बट कोई बता नहीं पा रहा है कि क्यों एक्सेस है, एंड वो 2000 है। वहां से फिर हमें उसको हटाना पड़ेगा थोड़ा। कुछ चीजें होती हैं जो नहीं इनमें शामिल हो पाती, ज्यादातर तो आपको डेफिशिएंसी मिलती है, इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी मैम, जी मैम। मैम गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। मुझे ना लास्ट एक मंथ से एक प्रॉब्लम हो रखी है कि मैं जब सो के उठती हूँ तो मेरे हाथ सोए हुए मिलते हैं, मतलब उठने के बाद तो चलो जाता है, पर लगातार कंटिन्यूस 1 month से मुझे ये प्रॉब्लम है। ओके, तो आज मैंने जो बताया आपको समझ आया होगा कि क्या रीजन हो सकता है। हाँ जी, इसको वॉच आउट करिए, ठीक है, और क्या क्या सोर्सेज हैं उसको यूज करिए। नहीं होता है तो आप कभी भी चाहे तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकती हैं। ठीक है मैम, ओके। चलिए आज टाइम यहीं पर ओवर हो रहा है, इसको बंद कर। मैम एक मैम बोलू। मैम जी। मैम मैं ज्योति जैन बात कर रही हूँ। मैम मैम इतना आप नॉलेज देते हो, कुछ एक बड़ा कुछ दो मैम, ये मींस बहुत मजा आता है, लगता है आपकी एक छोटा है। हाँ मैम मैम कुछ बड़ा दो मैम, बड़ा कोर्स दो मैम। पर मैं 4-5 का लंबा प्लान कर रही हूँ। मैम आपने 6 months का कुछ बोला था मैम। हाँ जी, आपने कुछ 6 months का भी बोला था मैम। हाँ मैंने पहले ही आप लोगों से माफी मांगी है कि मेरा मैम कुछ दो मैम, वी आर रियली भूखे हैं मैम। और जैसे ही मैं फ्री होंगी करूंगी जरूर मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, वेलकम जी। किसी को और कुछ पूछना है तो बताया। मैम डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या जवाब दे पाएंगे? डिफरेंट क्वेश्चन तो सुनने के बाद ही पता चलेगा ना कि मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं। जी मैम, साइटिका जो है मैम, एक तो टिंगलिंग वाला होता है, एक जो चलते हैं तो एक्सिलरेट हो जाता है, तो मैम उसमें क्या करें मैम? पहले तो वो शाटिका ही है कि नहीं ये कंफर्म करना होगा, और फिर एक्सेस टाइप या डेफिशिएंसी टाइप देख करके चलने में बढ़ता है या बैठने में बढ़ता है क्या होता है, क्योंकि एक ही आपका शाटिका कई कारणों से हो सकता है ना। अब आपको ऊपर कमर में जाना पड़ेगा, स्लिप डिस्क की वजह से हो सकता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहे तो कर सकते जी। जी वो भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, सामने भी मैं दे दूंगी यूट्यूब में, तो आप वहां पे भेज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो मैम अगर हमें पूरी डिटेल चाहिए होगी तो मैम वो कैसे? क्या चीज? अगर पूरी मैम डिटेल्स की डेप्थ चाहिए मैम तो वो कैसे? वो ठीक है, ट्रीट कर देंगे उनको, बट मुझे भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने तो आपको बोला कि आप जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए, सारी डिटेल भेजिए,
ओके वहां पर मैं देख सकती हूँ, बता सकती हूँ। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। तो आज बस इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वेंसडे को, नेक्स्ट सैटरडे को, और फिर किसी और विषय पे ऐसे ही बात करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहिए और लोगों को टेलीग्राम से जोड़ते रहिए, ताकि हमें बड़ी मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि आपको भी पता है टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है हमारे पास। तो ये लोग जुड़ते जाएंगे अपना टेलीग्राम में, तो वहाँ एक जगह पे मैसेज देने में मुझे बड़ी सुविधा हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।